नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। चेकिंग में अनुपस्थित मिले 80% कर्मचारी, सीएम धामी ने देहरादून आरटीओ दिनेश पठोई को किया सस्पेंड। कुंड चोपता गोपेश्वर नेशनल हाईवे 7 दिनों से बंद, पर्यटन कारोबारियों ने दी चक्का जाम की चेतावनी। कॉर्बेट पार्क में 12 साल तक के बच्चों की एंट्री फ्री, शासनादेश जारी। पतंजलि फूड पार्क फैक्ट्री में देर रात लगी आग, यूनिट जलकर राख बुझाने में लगे 5 घंटे। दून में महिला के साथ क्रूरता की हदें पार, पुलिस चौकी में 3rd degree टॉर्चर। अब खबरें विस्तार से। इन दिनों चारधाम यात्रा चल रही है। यात्रा में अव्यवस्था की खबरें रोज सुर्खियां बना रही है। देहरादून आरटीओ की लंबे समय से शिकायत आ रही थी। आज हकीकत परखने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आरटीओ का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विभाग के 80 कर्मचारी और अफसर गैर हाजिर पाए गए। इससे नाराज सीएम धामी ने तत्काल आरटीओ दिनेश पठोई को सस्पेंड कर दिया। 12 मई को कुंड चोपता गोपेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग पर संसारी जैबरी के बीच चट्टान खिसकने से यातायात बाधित हो गया था। 7 दिन बाद भी मार्ग पर यातायात सुचारू नहीं हो पाया है। इस कारण क्षेत्र का तीर्थाटन और पर्यटन व्यवसाय खासा प्रभावित हो गया है। वहीं अब पर्यटन कारोबारियों ने 21 मई को चक्का जाम करने की चेतावनी दी है। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 12 साल तक के बच्चों का प्रवेश निःशुल्क होगा। इस संबंध में शासनादेश भी जारी हो चुका है। हरिद्वार स्थित पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क में आज तड़के भीषण आग लग गई। देखत ही देखत आगे चारों ओर फैल गई। फैक्ट्री के शीमकों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। विभाग ने मौके की नजाकत को समझे बिना सिर्फ एक गाड़ी आग बुझाने भेजी। बाद में ज्यादा गाड़ियां आने पर करीब 5 घंटे आग बुझाने में लगे। उत्तराखंड की मित्र पुलिस पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि पुलिस ने चोरी के शक में एक महिला को थाने में इतना पीटा कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा है। पुलिस द्वारा पिटाई करने के बाद महिला की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। एसएसपी के आदेश पर जोगीवाला चौकी प्रभारी दीपक गैरोला को निलंबित कर दिया गया है। विनोद कुमार सिंगल को पूरी तरह से वन विभाग के मुखिया की जिम्मेदारी दे दी गई है। साथ ही उत्तराखंड में वन विभाग में तबादलों की सूची भी जारी कर दी गई है। इसमें आईएफएस दिनकर तिवारी को भूमि संरक्षण वन प्रभाग नैनीताल की जिम्मेदारी से मुक्त करते हुए डीएफओ टेहरी डैम फर्स्ट बनाया गया है। हाईकोर्ट ने आज हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा ने न्यायमूर्ति आर सी खुलबे की खंडपीठ ने कहा कि जो लोग इससे प्रभावित हैं वो 2 सप्ताह के भीतर अपना पक्ष समस्त कागजात के साथ कोर्ट में उपस्थित हो सकते हैं। इस संबंध में कोर्ट ने हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को आदेश दिए हैं कि वे समाचार पत्रों में एक पब्लिक नोटिस प्रकाशित करें। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। 20 मई से देहरादून में 38वें ऑल इंडिया गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 का आगाज होने वाला है। इस टूर्नामेंट में देश की 16 टीमें प्रतिभाग करेंगी। इस टूर्नामेंट लीग कम नॉक आउट के आधार पर खेला जाएगा। ऑल इंडिया गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन देवभूमि गोल्ड कप क्रिकेट एसोसिएशन करवा रहा है। केदारनाथ धाम में कुत्ते के पंजों से नंदी को छुआने वाले यूट्यूबर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही होने जा रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने वायरल वीडियो पर सख्त एक्शन लेने का फैसला लिया है। मंदिर समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि ये वीडियो अपमानजनक है। आईटीबीपी की 14वीं बटालियन ने पिथौरागढ़ में 2 लापता ट्रैकर्स को घायल हालत में ढूंढ निकाला है। ये दोनों ट्रैकर रविवार को खलिया टॉप ट्रैक के लिए गए थे और मुनस्यारी के बिरती फॉल के पास एक कठिन ऊंचाई पर फंस गए थे। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहें देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।